नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बीजेपी के हाईटेक प्रचार रथों का प्रदेश कार्यालय भोपाल से रवाना हुए हैं और तस्वीरें इस वक्त आप भोपाल से लाइव देख रहे हैं। 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था, बिजली का उत्पादन 2900 से बढ़ा के 29,000 मेगावाट, कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बदल ना दिया हो। और जन कल्याण की योजना तो ऐसी कि मैं हमेशा कहता हूं, हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं। समाज के हर वर्ग के गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, बेटे बेटियां हो, पिछड़े हो, अनुसूचित जाति जनजाति के हो, सबके कल्याण के काम किए हैं। और मोदी जी आज दुनिया के मन में मोदी है, देश के मन में मोदी है, एमपी के मन में मोदी है, जन जन के मन में मोदी है। तो अपने काम के आधार पर, अपने कामों को लेके इन वीडियो बैंस के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। हम जनता को अपने काम बता रहे हैं और कुछ लोग शमशान घाट में तांत्रिक क्रियाएं करा रहे हैं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में साधना अगर किसी की होती है, उपासना तो जनता की होती है। लोकतंत्र जनता को विश्वास, जनता के विश्वास को जीतने का माध्यम है। जनता की सेवा करो, प्रदेश का विकास करो, लोगों का कल्याण करो। हमने किया है तो हम उसके आधार पर जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। लेकिन शमशान घाट में पूजा कराने वालों, क्या इससे भला होगा देश का, प्रदेश का, प्रदेश की जनता का? अरे पूजा होती है तो सात्विक पूजा करो ना। जब पानी नहीं गिर रहा था तो हम भी महाकाल महाराज के दरबार में जाते थे, प्रार्थना की। लेकिन मुझे तकलीफ होती, आश्चर्य होता है, तांत्रिक क्रियाएं, इसका मतलब अपने ऊपर भरोसे नहीं, जनता को लूटा और बर्बाद किया है। योजनाएं बंद करने का पाप किया है कांग्रेस ने, योजनाएं बंद करने का। मैं आज पूछना चाहता हूं, क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं दिए? क्यों संबल योजना बंद की? बेगा भारिया सहरिया बहनों के 1000 रुपया कांग्रेस ने बंद किए और ये पैसा आईफा में लगा रहे थे। आईफा में कोविड की तैयारी की नहीं, कोविड से बचने की। मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले अब शमशान घाटों में जाके बैठे हैं। लेकिन हम जा रहे हैं जनता के दरबार में, जनता की सेवा की है और फिर सेवा का संकल्प लेके जा रहे हैं। और सेवा का संकल्प यही लाडली बहना है, जो छूट गई वो भी बनेगी। सेवा का संकल्प यही, जिन गरीबों के सिर पर छत नहीं है, हर एक के सिर पर छत होगी, भारतीय जनता पार्टी बना के देगी। संकल्प यही कि हमारे बेटा बेटी किसी भी जाति और समाज के हो, अगर प्रतिभाशाली है तो मुख्यमंत्री मेधावी प्रोत्साहन योजना चलेगी और डॉक्टर इंजीनियर की फीस भी हम देंगे। गरीब का कल्याण, जनता का कल्याण, प्रदेश का विकास अभी किया है, अभी तो और आगे जाना है। 5 साल में इतने आगे मध्य प्रदेश जाएगा कि सारी दुनिया में प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की चर्चा होगी। विकास के लिए, जन कल्याण के लिए हम इस संकल्प को लेके आज हमारे वीडियो बैंक निकल रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं कि वीडियो बैंक हर विधानसभा में एक जा रहा है, वहां ठीक से व्यवस्था करके जनता को उपलब्धियां दिखाए और सेवा के आधार पर, विकास के आधार पर, जनता ही अपनी भगवान है तो उसकी सेवा के आधार पर और विकास के आधार पर हम जनता से वोट मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच को एक बात और बताना चाहूंगा कि हर गाड़ी में QR कोड लगा हुआ है, इस QR कोड को स्कैन करते ही भारतीय जनता पार्टी से हम जुड़ जाएंगे। मैं आज मैं मीडिया के मित्रों को, वैसे तो अभी यहां से मीडिया सेंटर में जाके ब्रीफिंग हम लोग इसकी करेंगे,
आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम एक पत्र जारी किया है। वो पत्र मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता तक हम पहुंचाएंगे, इसलिए मैं अभी आज इस अवसर पर उस पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारा नेतृत्व तो यहां पर आपके सामने उसको जारी कर रहा है, लेकिन मीडिया के साथ ब्रीफिंग अभी मीडिया सेंटर के अंदर इस पत्र को लेकर के हम सब लोग करेंगे। तो मीडिया के मित्रों से मेरा अनुरोध है कि यहां से तत्काल वहां सभी लोग उपस्थित हों, ऐसा आपसे मैं अनुरोध करता हूं। मैं आग्रह करूंगा माननीय नेतृत्व से कि झंडा दिखाकर वीडियो वैन को यहां से रवाना करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। डॉक्टर को से ये राशन पहुंचाया, सर पे छत और पे Yeah.